खबर है देश की राजधानी दिल्ली से और बड़ी महत्वपूर्ण है, आज काफी ट्रेंड में भी रही है। केंद्र सरकार के नाम बदलने की मुहिम के तहत एक और इमारत का नाम बदलने का फैसला हो चुका है, जिस पर जमकर राजनीति हुई है। वो इमारत कौन सी है और आखिर इस पर इतनी बहस क्यों है, देखें जरा। ये दिल्ली का ऐतिहासिक नेहरू मेमोरियल है, जिसे तीन मूर्ति भवन भी कहते हैं। अब नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते हैं। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनी, आज तक बताइए कोई कांग्रेस का नेता गया हुआ? विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पे लगेगी तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। और वहां पर यदि इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके वो बहुत गुणगान भी करते हैं, उनकी उपलब्धियों से समस्या क्या है कांग्रेस को, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई, जिसमें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के फैसले पर मोहर लगाई गई। राजनाथ सिंह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष हैं, वहीं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। साल 2016 में पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा था कि तीन मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण होना चाहिए। तो दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदला जाएगा, ये बात तय हो गई। लेकिन इस पर जो विवाद की स्थिति है, इस पर देश भर में रिएक्शन आया। रायपुर में भी एक सड़क के नाम को लेकर बदलाव की कल से चर्चा है। जिस सड़क को अब तक वीआईपी रोड के नाम से रायपुरियंस जानते थे, अब उसका नाम स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर होगा। राजीव गांधी मार्ग कहलाएगा। इस बदलाव पर सियासी मुठभेड़ या ठनाठनी हमने दिन भर देखी। एयरपोर्ट रोड का जो नाम राजीव गांधी जी के नाम से किया है, ये विशुद्ध रूप से सरकार के इशारे पर किया गया ये काम है। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, अनेकों योजनाएं, अनेकों बिल्डिंग, अनेकों मार्ग उनके नाम से है, लेकिन बावजूद इसके फिर से एक उन्हीं के नाम से यह नामकरण किया गया है। ये विशुद्ध रूप से गांधी परिवार की चापलूसी को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो इन्होंने अपने नेताओं को या अपनी विचारधारा के लोगों का किस प्रकार से अलग अलग भवनों का नाम किया, लेकिन कभी इसका कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी महान विभूतियों का सम्मान करती है, उसी प्रकार से राजीव गांधी मार्ग के नाम से ये वीआईपी रोड का ऐतिहासिक वीआईपी रोड आज से राजीव गांधी मार्ग के नाम से कहलाया जाएगा। बहरहाल दल अलग अलग हैं, स्थान अलग अलग हैं जिनके नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन आप जरा गौर से सुनेंगे तो आपको तर्कों में एक रूपता नजर आएगी कि विरोधियों को भला महान विभूतियों के नाम पर अच्छे कामों पर आपत्ति क्या है, यानी घेरने का एक भी अवसर कोई छोड़ ही रहा। तो रायपुर से दिल्ली तक नाम वाली पॉलिटिक्स आप देख चुके हैं। अब इसी बहाने सियासी दलों की नाम वाली इस पॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं, जो हर बार एक गिमिक कहलाती है, कई बार ट्रंप कार्ड कहलाती है। दरअसल जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए योजनाओं, भवनों, रेलवे स्टेशन का नामकरण करती है, नाम बदलती है। कांग्रेस जब तक सालों तक सत्ता में रही, राजीव, इंदिरा, संजय, इन सब के नामों पर काफ़ी सारी योजनाओं, स्थानों के नाम रखे, इनकी गिनती भी मुश्किल है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जब दौर चला तो अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और बाकी के बीजेपी के पूर्व महापुरुषों पर वो लगातार नाम रखती आई, योजनाओं का नाम रखे गए, यानी कि नामकरण वाली राजनीति में कोई दल किसी से पीछे नहीं है। लेकिन यहां एक शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है और वे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने गांव को शहरों से जोड़ने के लिए जो सड़क योजना बनाई थी उसका नाम किसी शख्स के नाम पर नहीं रखा बल्कि पद के नाम पर रखा, क्योंकि इसमें अंश उनका था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम आज भी जानते हैं। ये एक नई पहल थी, एक नई सोच थी। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल की बात करें तो उस मेमोरियल में तमाम प्रधानमंत्रियों का जिक्र है जो किसी भी दल के रहे हों। ऐसे में कांग्रेस का विरोध उतना शक्तिशाली नजर नहीं आता, उनके तर्क बीजेपी के तर्कों को काटते नजर नहीं आते। वैसे अब ये नाम तो बदल ही चुका है, तय हो चुका है, चाहे आप लाख हल्ला मचा लें, चाहे लाख इस पर बात कर लें, ये नाम वाली पॉलिटिक्स न रुकने वाली है न थमने वाली है।